उड़ी उड़ी ए खाबो की पूरी। ओ माय गॉड कितना अच्छा एपिसोड था यार। आज आज मुझे सीरियस लगा कि काश मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड होता। बट एनीवेज हेलो एवरीवन, आई एम मोनाली नाइक, वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। तो आज का एपिसोड मुझे लगता है कि लाइक बेस्ट एपिसोड था। लाइक लास्ट वीक में वो एक पार्टी वाला जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद अगर कोई अच्छा हुआ था तो इट वाज दिस एपिसोड। इतना अच्छा वो गाना आप सब लोगों के मन में चलने वाला है, ए उड़ी उड़ी, रात को भी चलने वाला है, सुबह भी, सपने भी आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है गाइस। तो आई रियली लव्ड इट। मुझे केमिस्ट्री, मतलब मेरे को ऐसे ये होता है कि अगर ये दोनों इतने दुश्मन है, मतलब चलना भी नहीं है साथ में, रुकना भी नहीं है, दे हेट ईच अदर, नीच है, घटिया है, रश्मि बोलती है, सिद्धार्थ बोलता है वो झूठ बोलती है, मुंह पे झूठ बोलती है, वगैरह वगैरह, फिर भी केमिस्ट्री, माय गॉड, वो भी सीरियसली मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, लाइक आई फेल्ट लाइक गेटिंग मैरिड लिटरली। एंड बहुत सही था, बहुत सही था। दिल से दिल तक जो इनका सीरियल था, और पहले एक था, उसका उन्होंने रिक्रिएट किया है, और दोनों ने वाइट पहना था। ओ माय गॉड, डायरेक्टर डायरेक्टर थी सना, बहुत अच्छा किया पर उसने, जो मतलब डायरेक्शन करना था, जो उसके लेवल पे जो आइडियाज उसने लिए या जो भी मेहनत वो कर रही थी, मुझे काफी अच्छा लगा। सबसे पहली चीज तो उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत सही है, बहुत सही। सिद्धार्थ के फैंस आज काफी उदास हुए होंगे, बट आई होप कि आगे आने वाले एपिसोड में सिद्धार्थ के लिए भी कुछ होगा, फॉर श्योर होने वाला है, क्योंकि दे आर समथिंग की रियली इन टू ईच अदर, ऐसे है वो दोनों, तो उनके लिए भी होगा ही। ये तो रश्मि के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर रश्मि नॉमिनेटेड नहीं है, अगर रश्मि नॉमिनेटेड होती तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता कि इतना अच्छा, बहुत अच्छा गाइस। मेरे आंखों के सामने अभी भी वो सीन्स ऐसे है ना घूम रहा है कि मैं रिव्यू दे पा रही हूँ या नहीं मुझे भी नहीं पता ठीक से। तो इतना, और फिर वो पानी में, माय गॉड क्या परफेक्ट था वो पानी वाला भी, फिर वो ग्लास वाला, ग्लास वाले पे बाद में रश्मि बोल भी रही थी, यार ऐसे किस हो गया, ऐसे कभी नहीं किया। एंड पारस वाज लाइक, तुम्हारे फैन को अच्छा लग रहा है, पारस थिंग्स प्रैक्टिकली नहीं किया, उसको ऐसे लगता है हाँ फैन को जो अच्छा लग रहा है वो करना ही चाहिए गाइस। तो बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। बहुत पसंद आया मुझे। फिर उसके बाद माहिरा और विशाल का वो जो टिंग 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 भाग के गया ना वो बेड के ऊपर से, उनका कैसा था, डायरेक्टर के साथ उनका मेल भी नहीं खा रहा था, उनके आइडियाज जो थे वो डायरेक्टर के साथ मेल नहीं खा रहे थे, ऊपर से केमिस्ट्री, मतलब जो एक्टिंग सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि कर रहे थे वो एक्टिंग नहीं लग रहा था, वो रियल लग रहा था, लाइक रियल में वो लोग ऐसे ऐसे लग रहा मुझे। और ऑन दी अदर हैंड माहिरा और विशाल का कैसा था, वो थोड़ा एक्टिंग लग रहा था, तो कंजर्वेटिव लग रहा था, पानी में तो पूछो ही मत, वो डूब करके डूब गया। तो बहुत ही दोनों इतने अपोजिट साइड्स में, मतलब एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था माहिरा और विशाल को कि रिक्रिएट करें, बट क्या होता है बहुत पता है ना, बाप बाप होता है भाई, तो जिस जो इस चीज में माहिर है उसको माहिरा कुछ नहीं कर सकती, जो इस चीज में माहिर है उसको माहिरा कुछ नहीं कर पाई। तो सीरियसली ए उड़ी 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 बहुत अच्छा था। फिर हम बात करेंगे कि हिमांशी आके सिद्धार्थ शुक्ला को बोलती है आई एम सॉरी। एक्चुअली ये बात को दाद देनी चाहिए कि कोई आके सॉरी बोल रहा है या गलती मान रहा है, बट गलती दिल से मानी जाए ना तो मैं उसको दाद दूंगी। गलती ऐसी ऊपर दिखने के लिए कि मैं बाहर कैसी दिखती होगी, या फिर सिंपथी वाला वगैरह वाला, वो वाला मुझे पसंद नहीं है। तो सिड ने वो टॉपिक निकाला कि आपने बोला कि मैंने सना को कहा मंडप तोड़ने के लिए। इसके बारे में हम लोगों ने भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब सिड ने बोला ही नहीं है तो फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे, मन से बातें बोल के असीम को बोलना और फिर उस पर इतनी खुश होना कि सिड ने तो बोला भी था मंडप तोड़ने के लिए फिर भी हम कैप्टन बने, मतलब वो ऐसे भड़काने टाइप पे हो गया था, राइट गाइज। तो फिर वो बात मुझे भी कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई थी। हिमांशी बोली कि देवो ने बोला कि सिड ने बोला था मंडप तोड़ने के लिए वगैरह वगैरह जो भी है। देवो के सामने आने के बाद वो बोलती है, देवो को जब सिड पूछता है तो देवो बोलती है मैंने ये नहीं बोला कि तूने बोला, मैंने बोला कि पारस ने बोला था, वहीं पे क्लियर हो जाता। बट हिमांशी बोली कि मैंने भी नहीं बोला कि सिद्धार्थ का नाम लिया, मैंने बोला कि मंडप तोड़ने बोला था, तो मैंने वो एज्यूम किया, तो वो चेंज ऑफ द वर्ड्स हो गया, राइट गाइज, यहाँ पे चेंज ऑफ द वर्ड्स हो गया। तो फिर
जिसपे शेफाली भी बोलती है कि हमने कोई झगड़ा नहीं लगाया, तू बाहर जाएगा फुटेज देखेगा तो तुझे ही पता चलेगा। बट क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि सिद्धार्थ का अगर विश्वास टूट गया ना उनके खास दोस्तों के लिए, वो वैसा ही है जैसे कि आसिम हो या सना हो। आसिम और सना के लिए वो शायद वापस एक बार ट्रस्ट उसने ये कर दिया था, दे दिया ट्रस्ट उनको, बट कर लिया ट्रस्ट। बट इन लोगों पे थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज है, बाद में आए हैं। ऊपर से हमने जब भी देखा हिमांशी को मोस्टली रोते हुए देखा, हिमांशी वापस जाके रोती है, बेचारा आसिम जाता है उसके पास, बहुत सी चीजें समझाता है, इतना कुछ नहीं हुआ, इतना कुछ नहीं हुआ रोने के लिए, यू नीड टू बी स्ट्रांग। और वो बोलता है कि तुम्हारा हार्ट जो है ना वो गोल्ड का है। लाइक सीरियसली आसिम को कब उसका चेहरा समझ में आएगा, क्योंकि आसिम है ना काफी भोला है इस चीज में, वो सेंसिटिव है। मुझे ऐसा लगता है कल को अगर सना भी जाके आसिम के सामने रोएगी तो, मतलब जैसे अभी हम लोग देख रहे कि सना और उसके बीच में जो टिफ चालू है, बट कल को अगर सना भी जाके रोएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पिघल जाता है। तो वो वैसा उसका नेचर है। तो हिमांशी ने पूरा उसको वश में कर दिया, वैसे आंखें दिखा दिखा के बात करती ना, डोड़ा बक फिर आंखों से वो पूरा वश में कर लेती। सीरियसली आई रियली डोंट लाइक दैट गर्ल एट ऑल। आसिब के लिए बहुत अच्छा होगा अगर वो उससे थोड़ा दूर रहेगा, तो थोड़ी लव स्टोरी दिखेगी हिमांशी के साथ, तो उनको भी काफी ज्यादा फुटेज वगैरह सब कुछ मिलेगा, वो सब मामले में ठीक है। बट अगर वो आसिम को नीचे पुल डाउन, आसिम बहुत अच्छा चल रहा था गेम में, इसने थोड़ा नीचे पुल डाउन किया लास्ट वीक में, तो मुझे वो नहीं चाहिए कि किसी की वजह से आसिम का गेम खराब हो रहा है या सिद्धार्थ और उसकी जो क्या बोलते हैं वो केमिस्ट्री खराब हो गई थी। तो इस वजह से मैं हमेशा से हिमांशी के अगेंस्ट थी लाइक 4-5 दिनों से। तो आसिम का मतलब प्रोटेक्टर है, वाह वेरी नाइस ना। सिड और आसिम भी आके बोलता है, तो आसिम वकालत करने आता है हिमांशी की, सिड को पता चलता है, सिड उसको समझाता है कि उसने मेरे सामने सामने झूठ बोला था, मुझे वर्ड प्ले करने वाले लोग पसंद नहीं है, मेरी इंटीग्रिटी पे बात आती है, ऐसा उसका कहना है। तो मुझे नहीं लगता कि सिड वापस कभी हिमांशी पे इतने जल्दी ट्रस्ट कर पाएगा। ट्रस्ट गेन करने के लिए वापस कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि पारस और मायरा वगैरह ने जुगाड़ किया, लाइक झगड़ा हो गया तो उसके लिए स्टैंड लिया, ये किया वो किया, तो वैसा कुछ चीजें अगर ये लोग कर दे फिर भी पता नहीं होगा या नहीं। वो आसिम के साथ रहेगा, आसिम ने कितना भी हर्ट किया तो भी, आसिम को उसने दिल से माना तो वो आसिम के साथ रहेगा। बट हिमांशी और शेफाली को उसको डाउट था ही, आपने एक्स्ट्रा शॉट्स में देखा होगा, ये सब क्लियर होने के पहले ही उसको डाउट था कि इन लोगों ने ही कुछ किया है, क्योंकि उनके आने के बाद। और वो वाली बात भी बोलता है कि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन किया उसको जब वो क्या बोली कैप्टन बनी, तो शी वॉज लाइक, ये हम सब लोगों ने नोटिस किया, किसी ने मेरे कमेंट में भी डाला था कि मैम आपने ये बात नोटिस की थी क्या, ऐसे ऐसे हो गया करके। तो हाँ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ना गाइज, इतना एटीट्यूड एक पॉइंट पे, फिर बाद में, और मुझे रोना बिल्कुल उसका पसंद नहीं आ रहा है, बात बात पे रो रही है, बात बात पे रो रही है यार, ऐसा सिंपथी नहीं मिलता है, बात बात पे रोने पे नहीं होता, कभी तो रो ठीक है, नहीं कि बात बात पे कौन रोता है यार। फिर सिड और आरती की भी सुबह थोड़ा सा मजाक हो रहा था ब्रश का कलर वगैरह, तब भी आरती बोली तू वो पारस और सना से पूछ। एक्चुअली कह रहा है ये आरती के मन में बैठ गया कि ये पारस और सना के क्लोज हो गया, क्लोज मतलब वो पारस के क्लोज नहीं है, वो सना के क्लोज है, पारस उसके साथ बात करता है वगैरह वगैरह ठीक है, बट दोस्तों के लिए पारस के साथ वो ये नहीं करेगा, क्या बोलते है? क्या जाएगा नहीं पारस के साथ। फिर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया चालू हो जाती है, तो बहुत एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं। पारस शेफाली को करता है, शेफाली बोलती तुम तो वैसे भी काम नहीं करते, तो पारस का डायलॉग भगवान से डरो भगवान से डरो, बाप रे। तो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है माहिरा, शेफाली, शनाज, आरती, भाऊ और पारस। तो इसमें से ना मुझे लगता है जो वीक है उनके मैं बात कर रही हूँ, मुझे माहिरा और आरती, मुझे से लगता है माहिरा और आरती में से कोई जा सकता है। आपको क्या लगता है, मोस्टली आरती का भी चांसेस हो सकता है? चलो फिर ये नॉमिनेशंस वाले टास्क में थोड़े झगड़े हुए थे, आरती जब गई आरती ने पारस के इसमें खंजर डाल दिया, तो फिर तब है ना आरती ने भी बहुत सी चीजें बोली और पारस ने भी हद पार करके चीजें बोली माहिरा को आरती को। तो हमने एक चीज हमेशा देखी है कि जब कभी भी इनके ग्रुप में कुछ भी होता है, मतलब तो हर कोई किसी के पास नहीं मतलब ऐसे चढ़ जाता है, बट माहिरा और पारस का ऐसे कि किसी ने पारस को बोला तो माहिरा भी बीच बीच में, मतलब एकदम गंदा इरिटेटिंग आवाज में ऐसे बीच में बोलती है, और माहिरा को किसने बोला तो पारस बीच में आता है, जो हम सब लोगों को बड़ा इरिटेटिंग लगता है।
भाऊ ने भी बहुत बार बोला कि तू फटेले में टांग डालती है वगैरह वगैरह, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे बीच में नहीं जाते, क्योंकि दो लोगों का झगड़ा है वो लोग सॉर्ट आउट करेंगे, अगर हम बीच में गए तो वो कुछ बढ़ते जाता है, कुछ ऐसे होते जाता है। तो यहाँ पे सिड भी बीच में नहीं पड़ा क्योंकि उसको लगा कि ये दोनों, और आरती जो है ना एक्चुअली पॉइंट रख रही थी, बातें कर रही थी, अगर वहां पे सिद्धार्थ आके बोलेगा तो क्या होता है आरती को चुप बैठना पड़ेगा, फिर आरती स्ट्रांग नहीं दिखेगी, वापस शैडो दिखेगी, वो भी बातें होती हैं। बट आरती को एक्सपेक्टेशंस थी कि सिद्धार्थ मेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए था। बहुत रोई वो, बहुत रोई। मुझे एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आरती जाके जब रोती है हिमांशी के सामने, बट हिमांशी कुछ बोलती नहीं चाहती, हिमांशी कुछ और ही बातें कर रही थी, वो पारस ने ऐसा नहीं बोलना चाहता वगैरह। इस बार हिमांशी ने मतलब थोड़ा दिमाग लगा के बोला सिद्धार्थ के बारे में, कुछ नहीं बोला उसने। बट आरती जाके फिर बात किसके साथ, आसिम था, शिफाली वगैरह सब लोग थे, उनके साथ जाके बोल बास जाके बोलती कि मुझे एक्सपेक्टेड था कि सिड मेरी मेरे लिए स्टैंड लेगा, सिड कभी भी नहीं खड़ा होता है, मैं उसके लिए हमेशा होती हूँ। तो लास्ट टाइम भी अगर आपने देखा ना, लास्ट वीक में आरती आके पहले बोलती है कि सिड मुझे हमें बुली करता है, वहां से इनके मन में वो बात बैठ गई, वहां से इनका झगड़ा स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने देखा होगा वो बात। कभी भी ना थोड़ा सा ये भी डालती है, मतलब ऐसे लाइट लगा के दे देती है, और बाद में ये पूरा भड़क जाता है पूरा, मतलब फिर वो आउट हो जाती है, फिर वो सिद्धार्थ के साइड में आ जाती है। मैंने बहुत बार देखा ये बात, बट लास्ट टाइम वो थोड़ी सी करेक्ट भी थी, इसलिए मैंने उसके अगेंस्ट कुछ बोला नहीं था, तो इस बार भी ऐसा हो सकता था। बट आसिम उसमें फंसा नहीं, आसिम ने बोला, आसिम का रिएक्शन ओके था। बाहर जाके वो शिफाली को भी बोल रहा था कि जैसे कि देखो अभी रश्मि इज ट्राइंग टू बी नाइस विद सिड वगैरह वगैरह, ये वो उनका थोड़ा सा बातें हो रहा था। फिर जाके सिड उसके साथ बैठा, आरती के साथ, क्या हो रहा है, क्यों रो रही है, तो वो बताती है कि तूने ऐसे ऐसे क्यों किया। तो सिड बोला तू जब तेरे पॉइंट्स रख रही थी तो मैं क्यों बोलू, तू बोल रही थी ना, तू कर रही थी तो क्यों बोलना। तो आरती का कहना है कि मैं हमेशा बीच में आती हूँ, बट गाइज आती भी होगी वो बीच में, वो मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ। बट और एक बात बोलू मैं कि जिसमें सिड बीच में ना भी हो ना, उसमें नाम आरती सिड का ही लेती, मतलब कोई भी झगड़े में घुसाड़ना है उसको सिड को, और सिड घुस के आता है, फिर उस झगड़े भी उस वजह से भी होते। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि सिड ने, थोड़ी रो रही थी तो थोड़ा कंसोल करना चाहिए था एक्चुअली सिड ने, क्योंकि उसकी जगह पे आसिम या सना होते तो वो कर ही देता ना कंसोल। तो आरती इज लाइक शी इज जेलस, शी इज इन लव विद सिद्धार्थ। गाइज मुझे तो 101% लगता है कि शी इज इन लव विद सिद्धार्थ, जैसे वो मुंह करती किसी और के साथ हो या कुछ हो। तो वह सिद्धार्थ ने भी आज एक पॉइंट रखा, जैसे आरती ने बोला यू स्टार्टेड टॉकिंग विद पारस वगैरह इसलिए तूने स्टैंड नहीं लिया, मुझे नहीं लगता इसके वजह से, कोई और भी होता तो भी वो स्टैंड नहीं लेता, बट क्योंकि वो किसी के बीच में नहीं जाता। अगर आपने कल के प्रोमोज भी देखे, सना और आसिम झगड़ा कर रहे थे, वो बीच में किसी के भी बीच में नहीं गया। आज भी पारस और आसिम झगड़ा कर रहे थे, उनको पता है कि दोनों स्ट्रांग इनफ है, दोनों झगड़ा कर रहे, वो बीच में नहीं गया। अगर हाथापाई पे आता तो वो शायद बीच में चला जाता। तो यहाँ पे अगर वो बीच में आ ही नहीं रहा है किसी के, तो कैसे एक्सपेक्ट करने का, मुझे वो भी लगता है। फिर आज सिद्धार्थ ने वो भी बात की कि तुझे प्रॉब्लम हो रही है पारस के साथ मैं बात कर रहा हूँ तो, बट जब मैं आसिम के साथ नहीं बात कर रहा था तब तू आसिम के साथ जाके बात कर रही थी, जब मैं सना के साथ नहीं बात कर रहा था तब तू सना के साथ बात कर रही थी, और हमने रश्मि के साथ वाला भी देखा, शी वॉज ट्राइंग टू टॉक विथ रश्मि अगेन एंड अगेन, रो रो के वगैरह वगैरह बाथरूम में। हम वो वाला सीन आपको अगर याद है तो हम सब ने देखा, तो ये भी तो बुरी बात है। फिर दिल से दिल तक वाला वो जो उड़ी 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 मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसमें शिफाली आसिम को बोलती कि तेरा और हिमांशी का भी होना चाहिए था, बट आसिम इज लाइक नहीं मेरा और तेरा होना चाहिए था, तेरे साथ ज्यादा अच्छा केमिस्ट्री आता। बट शिफाली बोलते अभी मेरा नहीं आएगा तेरे साथ केमिस्ट्री। तो हिमांशी और आसिम की जो जोड़ी है ना, आसिम काफी ज्यादा हैंडसम है और यंग है, मतलब यंग दिखता है, उतनी यंग हिमांशी दिख के नहीं आती। हिमांशी बुरी नहीं दिखती बट यंग नहीं दिखती उतनी, तो उस वजह से उनकी जोड़ी मुझे काफी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बट शिफाली इज मैरिड तो हम क्या कर सकते, तो वो भी है। पर जिसपे ना मुझे लगता है पारस वगैरह वो लोग शूट कर रहे थे ना, तो आसिम बीच में कुछ तो ऐसे ही बोल देता है, मतलब टाइम पास करने के लिए। उस पे मायरा वगैरह उन लोगों की सस्ती ऑडियंस अंडे फेंकने वाली, इतना गंदे आवाज में आसिम को चिढ़ाने की क्यों जरूरत है, वो अगर शांत है, वो शांत लेटा हुआ है अपने बेड पे, ये करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो चीज भी। तो रश्मि वॉज लाइक थोड़ा सा ऑकवर्ड उसको लगा वो किस वाले सीन से, बट ठीक है ना, ग्लास के थ्रू था और तुम लोग एक्टर्स हो तो उस वजह से तो ठीक है। बट क्या केमिस्ट्री यार, मुझे आज सच्ची में प्यार आ गया सिड पे।
सीरियसली. तो सना पारस वगैरह सब लोग थे वॉशरूम में. वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि आसिम को ऐसे अलग ही बात कर रहा है, थोड़ा अकड़ के बात कर रहा, थोड़ा घमंड आ गया. क्या हो गया, आसिम को एक अपना ग्रुप मिल गया अलग से, जो है शेफाली और हिमांशी, और वो उसके साथ रहता है दिन भर. वो उनके साथ ज्यादा कनेक्टेड हो गया, विच इज ओके, इतना कुछ नहीं है. तुम लोग के साथ थोड़ा डिसकनेक्ट हो गया, तो घमंड हो या कुछ भी हो, कुछ भी हो, थोड़ा टाइम के लिए उसको चाहिए होगा कि मैं थोड़ा अलग रहूँ या थोड़ा शांत रहूँ या कुछ ऐसे, तो इट्स फाइन. तो पारस भी उसकी वाट लगा दे, उसको ऐसे कर दे वैसा कर दे, जिसपे बीच में वो शायद सिट जाने के बाद था थोड़ा सा वो बात. सिट से वाके बोलता है बंदा प्यार में, लोंडा प्यार में है. तो बस उतना बोल के मैंने कभी सिड को भी, अभी मैंने उसे उसके बारे में खुसुर खुसुर करते हुए नहीं देखा, आसिम को भी नहीं देखा सिड के बारे में ऐसे गंदा कुछ बोलते हुए. दे आर प्लेइंग नाउ स्मार्ट एंड नाइस विथ ईच अदर. क्योंकि देखो इन दोनों दोस्तों के बीच में जो कोई भी आया ना वो पागल है, मतलब एक्चुअल में. अभी वो पारस वगैरह सब बीच में आ गए थे, नॉमिनेट हो गए ना आसिम ने, उस वजह से तो नॉमिनेट किया. बीच में तुम लोगों ने आग लगाई इस वजह से. और सिड ने क्यों नॉमिनेट किया शेफाली वगैरह को, बीच में हम दोनों का झगड़ा हो गया था तो बीच में तुम लोगों ने ऐसे ऐसे किया. तो बीच में जितने नए लोग आए गए ना, वो जब दो खास दोस्त है आप लोगों को पता है वो वापस एक हो सकते हैं, तो क्यों ऐसा करने का. आरती को आ जाता है पैनिक अटैक, जिसपे जाके सिद्धार्थ जाके मिलने आता है, बट शायद आसिम उसको बाहर निकालता है ना, ऐसा कुछ होता है. तो फिर सिद्धार्थ उसको पूछा तूने मुझे बाहर क्यों निकाला, ऐसे क्यों किया. तो उसने बोला कि मेरे को आरती ने बोला कि ऐसे ऐसे, तो शी इज हर्ट बिकॉज ऑफ यू. तो सिद्धार्थ बोलता है उसमें मेरी क्या गलती है वगैरह. तो आसिम वॉज वेरी स्वीट कि हाँ तू भी मुझे ठीक है ना, शी इज हर्ट बट तेरी गलती नहीं, इट्स फाइन इट्स फाइन. तो पारस को बीच में पॉप करने की कोई जरूरत ही नहीं थी. क्या बोला पारस, बकवास कर रहा है ऐसा कुछ तो बोला ना. उधर से उन दोनों का थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, जिसपे सना देखो बीच में बोल रही थी. सना ना पारस माहिरा के साथ अगर रही ना, वो एक्चुअल में इविल बिहेव करती है, और वो सिड के साथ रहते तो मुझे वो स्वीट लगती है. तो पारस माहिरा कैसे एक दूसरे के बीच में क्या 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 कौवे जैसे करते ना, तो मेरे को ऐसा करती ना माहिरा, तो मुझे नहीं अच्छा लगता वो. और उसमें सना बीच में बोल रही थी, थैंक गॉड सिड ने उसको रोका कि क्यों, हम लोगों ने देखा वो क्या, क्यों बीच में बोलना देखो, मतलब आसिम के ऊपर चढ़ रही थी ना, बिकॉज ऑफ विच उसने रोका कि क्यों आसिम पे चढ़ रही है. बाद में पारस आसिम दोनों का थोड़ा होते गया, फिर वो दोनों भी वही टॉन्ट, तेरे को घमंड आ गया, तेरे को एटीट्यूड आ गया, तेरे को ये चढ़ गया, वो चढ़ गया ना भाई, चढ़ना है तो चढ़ने दो ना, इट्स फाइन. आगे गेम में देख सकते ना हम कुछ तो चेंजेस और कुछ तो ऐसा अच्छा है ना. कि मुझे बहुत प्यारे लगते हैं सिड आसिम, सिड तो आज के एपिसोड में, और आसिम भी बड़ा स्वीट लग रहा था. आसिम बहुत स्वीट तरीके से बात कर रहा था. तो जिसपे शेफाली आके बोलती है ना उनको कि अरे यार किसी को पैनिक अटैक आ गया, सो जाओ, ऐसा करो वैसा करो. तो जिसपे आसिम इज लाइक कूल ओके, हम लोग सो जाते. बट मुझे ना पारस भी बहुत ओवर लग रहा है, मतलब पहले से मुझे वो क्या इतना कुछ काफी पसंद नहीं है, बट ओवर रिएक्ट कर रहा है, लाइक सेम लाइक माहिरा. माहिरा जैसे ना क्या ओवर, उसको किसी ने नॉमिनेट भी कर दिया तो करने लग जाती है. आपका पॉइंट ही मुझे वैलिडली लगता है. आपने कल भी गेम था वो बीबी के सितारे, उसमें भी वो कितना चीखी उसका फोटो फाड़ते टाइम, मतलब कुछ ले ही नहीं सकते आप अपने आप पे. मुझे ना इन दोनों की जोड़ी वो लोग पसंद ही नहीं आ रहे दोनों, पारस माहिरा. मुझे पसंद है बस यही लोग, सिड सना भी पता नहीं आगे किसके टीम में रहेगी तो ठीक है, क्योंकि वो उनके साथ जाती तो वो इविल बन जाती. आसिम वगैरह ये लोग थोड़े स्वीट साइड ऑफ लोग है तो मुझे थोड़ा पसंद आ रहे. हिमांशी अगर आग नहीं लगाए तो शायद वो भी पसंद आ सकती है. हिमांशी ने अच्छा खेल रही है वैसे, बट आग नहीं लगाना चाहिए. सो मैं आती हूँ रोज बिग बॉस वीडियो के साथ. ड्रॉप फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब, ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी उद्या मी आलेच हा.